को लग रहा है जैसे कि बंदूक वगैरह से जैसे लोग यूज करते होंगे उस टाइप का दिख रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में। तो हम अभी आए हैं जगदीशपुर बीरकुंवर सिंह के किला में। अभी ये पार्क है, ये बीरकुंवर सिंह पार्क ही इसका नाम है। यहाँ पे एक छोटा सा टैंक भी रखा गया है, देख सकते हैं आप। और वहीं से एंट्री का है, ये एंट्री गेट है। और यहाँ पे फूल पौधे लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। बीरकुंवर सिंह का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो 1857 की क्रांति में हमारे बिहार का एक नाम, जो कि जब तक सृष्टि चलेगा तब तक इनका नाम रहेगा। तो बीरकुंवर सिंह जयंती भी थी, और जयंती में 77,000 से भी ज़्यादा तिरंगा झंडे को लहराया गया था, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। पहले पाकिस्तान 49,000 था उसका रिकॉर्ड, हम लोग का नया रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। ये देखिए, नवग्रह वाटिका का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया है 23/4 को, जो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे नवग्रह है, देख सकते हैं आप। पलाश, मोम, खैर, मंगल, कुश, केतु, मदार, सूर्य, दुब, राहु, सम्मी सम्मी, ये सब है अमित शाह द्वारा। और बहुत ही अच्छा इसको डेकोरेट किया है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे संग्रहालय है उनका, यही संग्रहालय है। और ये पिछला भाग है जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, वो खंडहर जो पीछे आप देख सकते हैं, किसी ज़माने में बहुत भव्य रहा होगा, ढह गया है पूरा, देख सकते हैं आप। इधर जाना अलाउड नहीं है तो हम उधर नहीं जाएंगे। और इस संग्रहालय में आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे। यही संग्रहालय है और यही छोटा सा। अलग अलग रूप में फोटो है उनका, जो कटा हाथ जैसे बताते हैं लोग कि उनका हाथ कट के गंगा जी में डाल दिए थे क्योंकि जख्मी हो गए थे वो। तो यही है बाबू बीरकुंवर सिंह, बिहार के आन बान शान। जय भारत। और ये देख सकते हैं, ये कुछ होगा उस समय का, खंजर जैसा लग रहा है। और ये छोटा सा हमको लग रहा है जैसे कि बंदूक वगैरह से जैसे लोग यूज करते होंगे उस टाइप का दिख रहा है।
वीर कुंवर सिंह का जो घर था, मेन जो घर है, इसका नाम था द गढ़। यहाँ पे देख सकते हैं स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। ये हम लोग अभी एंट्री गेट इधर से भी था, उधर से भी है। ये करीब एक दो बीघे का प्लॉट है, इसमें अभी ये लोग, उनके खानदान के लोग जो थे हैं, वो अपना नया नया घर बना के इसमें रह रहे हैं। अभी पुराना वाला घर भी वो जो पीछे आप देख सकते हैं, तो मतलब खंडहर हालत में है, और ये उनके पौत्र प्रपौत्र का घर है। बगल में खूबसूरत एक तालाब भी है, बहुत ही खूबसूरत। उस समय जब रहते हैं वो खूबसूरत रहा होगा।